फ्रेंड्स, आज हम ये पोर्चुलाका का फ्लावर टावर कैसे बनाया है मैंने वो आपको मैं आज सिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ ये वीडियो को देखते रहिए कैसे मैं ये बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्याम कार्निंग एंड टिप्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ्लावर टावर पोर्चुलाका का कैसे बनाते हैं वो आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक का गमला चाहिए और ये पीवीसी पाइप चाहिए। ये 4 इंच का पीवीसी पाइप है, इसमें हमने होल किया है। एक रॉड, लोहे के रॉड को गर्म करके इसको होल किया है। आप चाहे तो ड्रिल के मशीन से इसको होल कर सकते हैं। फिर इसे हम एक गमले में लगाएंगे, ये गमले के बीचों बीच इसको डालेंगे। फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। हमने इसके लिए 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 25% कोकोपीट और 25% कंपोस्ट का एक सॉयल मिक्सर बनाया है, उसी को हम नीचे दे देंगे। फिर इसको अच्छे से हम दबा देंगे ताकि ये हिले ना, ये टाइट हो जाए। जो पीवीसी पाइप है ये बिल्कुल टाइट हो जाए, इसके लिए इसको अच्छे से दबा देंगे। और ये जो पीवीसी पाइप है इसको थोड़ा एडजस्ट करके बीच में सीधा कर देंगे। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसको सीधा कर देंगे। फिर हम इसको, ये जो मिट्टी है सारे अच्छे से इसको दबा देंगे। ये हमने और थोड़ा इसमें मिट्टी ऊपर से डाल देंगे, जो ये पीवीसी पाइप है उसके ऊपर हम मिट्टी डाल के इसको भी भर देंगे। इसको अच्छे से भर देंगे, ये जो सॉइल मिक्सर हमने तैयार किया है। तो ये बिल्कुल हम इसके ऊपर भर देंगे। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही आसान तरीका सिखा रहे हैं कैसे आप एक फ्लावर टावर बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से घर में आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक पीवीसी पाइप की ज़रूरत है और एक गमले, वाइड वाला, थोड़ा बड़ा वाला गमले की ज़रूरत है। जैसे कि आप इसे पाइप को इसके ऊपर रख के फिर मिट्टी भर सकेंगे। फिर नीचे भी हम कुछ प्लांट्स लगाएंगे और बीच में हम पोर्चुलाका का प्लांट लगाएंगे, वो जो कटिंग्स, पोर्चुलाका का कटिंग्स लगाएंगे। देखिए, हमने इसको अच्छे से मिट्टी भरने के बाद एक लकड़ी के मदद से इसको हम अच्छे से हिला रहे हैं। इसको ऊपर से थोड़ा फीड देने से ये मिट्टी नीचे तक बैठ जाएगा, अच्छे से इसका मिट्टी सेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये नीचे लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने इसको नीचे, ये जो हमारा सिंघुनियम का प्लांट है, हमने वो सिंघुनियम का प्लांट लगा रहे हैं नीचे। नीचे सिंघुनियम का प्लांट अच्छा लगेगा, ये थोड़ा बूसी बन जाएगा बाद में, तो ये अच्छा लगेगा। नीचे सिंघुनियम के प्लांट बहुत ही आसान, बहुत ही कम खर्चों में आप एक शानदार खूबसूरत फ्लावर टावर बना सकते हैं। तो ये हम नीचे इसको लगा रहे हैं, ये सिंगोनियम का प्लांट चारों तरफ इसको लगा देंगे। जो नीचे वाले गमले में ये हम सिंगोनियम के प्लांट लगा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बिल्कुल चारों तरफ ये सिंगोनियम के प्लांट लगा दिया है। फिर ऊपर हम जो पीवीसी पाइप में हम ये पोर्चुला का मॉस रोज, टेबल रोज, इसका कटिंग हम लगा रहे हैं। ये सारे जो होल हमने बनाया है, इस होल में हम एक एक करके इसके कटिंग को लगाएंगे। ये देखिए कैसे हम लगा रहे हैं सारे, ये जो सारे होल है, इस सारे होल में एक एक हम लगा देंगे। आप चाहे तो जितने भी कलर के
टुकड़े हैं, आपके पास जितने भी कलर के कटिंग है वो आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको लगा रहे हैं, ये सारे जो कटिंग्स हमने लगा दिया है। तो ये ऊपर हम इसको लगाएंगे, ये स्पाइडर प्लांट, ये स्पाइडर प्लांट हम ऊपर लगाएंगे। देखिए कितने अच्छा खूबसूरत लग रहा है हमारा ये फ्लावर टावर। ऊपर हम स्पाइडर प्लांट, बीच में हम मशरूम और नीचे हम सिंगोनियम का प्लांट लगाया है। इसको देखिए फ्रेंड्स कैसे ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब ये देखिए एक महीने के बाद इसका कैसे ग्रोथ हुआ है। ये एक महीने के बाद इसका ग्रोथ आप देख रहे हैं। देखिए कितने सारे बर्ड्स आ चुके हैं इनमें और फूल भी खिलने लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बुशी बन गया है ये फ्लावर टावर, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये डेढ़ महीने के अंदर इसका ये वीडियो हम बना रहे हैं। डेढ़ महीने के बाद ये देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर आ गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहा है ये फ्लावर टावर। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ये फ्लावर टावर आप ऐसे घर में बना सकते हैं बहुत ही कम खर्चों में। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पोर्चुलाका का फ्लावर टावर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।